अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करते करते इस टॉपिक को हमने 5 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया। तो इन 5 क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को यूज करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को एज सून एज पॉसिबल विद इन टाइम सोल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ड्राइविंग एट 48 माइल्स पर आवर। हमें स्पीड दी गई है 48 माइल्स पर आवर की। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू ड्राइव 32 माइल्स ड्राइव करते हुए कितना टाइम लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, 48 माइल्स कर रहे पर आवर एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट्स में। हमने निकालना है 32 माइल्स कितनी देर में करेगा। अब सिंपल है, हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले यूनिट निकाल लेना है। यूनिट कैसे निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हम करेंगे 48 माइल कर रहा है 60 मिनट में, हम निकालेंगे यूनिट माइल्स का, 1 माइल कितनी देर में करेगा। अब हमारे पास यहां पे डिस्टेंस कम हो गया है तो टाइम भी कम होगा, तो यह होगा 60/48। हमने क्या निकालना है, 32 माइल्स का, हमारे पास 1 माइल का टाइम गिवन है 60/48। हम क्या करेंगे, 32 माइल विल कोरस्पोंड टू 60/48 मल्टीप्लाई बाय 32। इसको आप सिंपलीफाई कर लें, आपके पास आ जाएगा कि कितने मिनट लेगा 32 माइल्स को ड्राइव करने के लिए। सिंपल है, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 3 into 20 60, 20 into 2, 40 minutes, यानी के 32 miles को कवर करने के लिए 40 minutes हमारे लगेंगे। सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह की इक्वेशन बना लेनी है, उसके बाद आपने यूनिट निकाल लेना है कि एक माइल या एक मिनट जो भी उसने पूछा हुआ है कितनी देर में करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 32 से हमने या जो जितने भी उसने माइल दिए हुए उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ कार गोस 10 मीटर इन 1 सेकेंड। कार की स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आर। हमने निकालनी है स्पीड किलोमीटर पर आर में, कैसे करेंगे। आपके पास स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, आपने क्या निकालनी है किलोमीटर पर आर में। अब करना क्या है, हमने किलोमीटर हमारे पास है और आर्स है, किलोमीटर को पहले हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और आर्स को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अब आपको पता है 1 आवर जो है इसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं। अगर 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, हमने सेकंड्स निकाल लिए, हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 60 into 60, दिस इज इक्वल टू 3600, जो कि हमारा क्या है 1 आवर, यानी कि 1 आवर में 3600 सेकंड्स है। नंबर 2 क्या है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर्स होते हैं, ये भी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इस स्पीड को दिखाना है मीटर पर सेकंड में, जो दी गई है उसको किलोमीटर पर आवर में। अब आपको पता है 10 मीटर कर रहा है 1 सेकंड में, हमारे पास ऑलरेडी यूनिट गिवन है, तो 3600 सेकंड्स में कितना करेगा, 10 into 3600, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, आपने 1 आवर में निकाल लिया डिस्टेंस को। नंबर 2 हम क्या करेंगे, हमने जो मीटर्स हैं उनको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास ये क्या है, 36,000 मीटर्स हैं जो कर रहा है 1 आवर में, हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 30 से 30 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई। सिंपल, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास ये स्पीड गिवन थी हमने उसको 3600 से मल्टीप्लाई किया है और 1000 से डिवाइड किया है, यानी कि जहां भी आपका क्वेश्चन आएगा कि आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट इस सारे मेथड की बजाय क्या करेंगे, आप
3600 ओवर 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में और उसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे, 1000 ओवर 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका रिवर्स लेके, यानी कि अगर हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो आप क्या करें, डायरेक्ट 3600 ओवर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपने किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप क्या करेंगे, 1000 ओवर 3600 जो उसका रिवर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ कार कवर्स डी माइल्स इन 40 मिनट्स, हाउ मेनी माइल्स विल इट कवर इन 60 मिनट्स। सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि हमारे पास डी माइल्स कर रहा है 40 मिनट्स में, कितने माइल्स करेगा 60 मिनट्स में। सिंपल है, हम क्या करेंगे, यूनिट निकालना है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, यानी कि अगर डी माइल कर रहा है 40 मिनट्स में तो 1 मिनट में कितना करेगा, कम ही करेगा, तो यानी कि हम इसको डी ओवर 40 कर देंगे। अब 60 मिनट में कितना करेगा, ज्यादा करेगा क्योंकि टाइम पड़ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, डी ओवर 40 इंटू 60, सिंप्लीफाई कर लें, 22 आर 40, 23 आर 60, यानी कि 3D ओवर 2, ये कितनी देर में करेगा, 60 मिनट्स में। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेस में एक्स बीट्स वाई बाय 35 मीटर्स और 7 सेकंड्स। एक्स वाई को जो डिफीट करता है उसमें डिस्टेंस है 35 मीटर्स का और ड्यूरेशन है 7 सेकंड्स का। फाइंड एक्स स्पीड इन सेकंड, हमने एक्स की स्पीड निकालनी है इन सेकंड्स, सेकंड्स के यूनिट में, क्या करेंगे हम। अब आपको पता है एक्स जो उसको डिफीट कर रहा है 35 मीटर से कर रहा है या फिर 7 सेकंड से कर रहा है, हम यहां से एक्स की स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे आएगी हमारे पास, 35 ओवर 7 दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ये एक्स की स्पीड है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, एक्स का टोटल टाइम इन सेकंड्स, यानी कि वो पूछ रहा है कि एक्स ने जो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर जो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कितनी देर में कवर किया है। अब हमें पता है 1000 मीटर कवर करने के लिए एक्स की स्पीड क्या है, 5 मीटर इन 1 सेकंड। अगर 5 मीटर कर रहा है 1 सेकंड में तो 1 मीटर कितनी देर में करेगा, यूनिट हम निकाल देंगे यहां पे दोबारा, 1 ओवर 5 सेकंड में, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कम हुआ है तो टाइम भी कम होगा, तो हमने इसको डिवाइड किया है, हमने निकालना है 1000 मीटर का, 1000 मीटर कितनी देर में करेगा, 1 ओवर 5 इंटू 1000 क्या आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 200 हमारा आंसर आ गया, यानी कि एक्स का जो टाइम है इन सेकंड्स वो कितना है, 200 सेकंड्स। सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्स ने जिस डिस्टेंस और जिस टाइम से बीट किया था वहां से हमने एक्स की पहले स्पीड निकाल ली, जब हमारे पास स्पीड आ गई तो हमने निकाला कि अगर 5 मीटर 1 सेकंड में कर रहा है तो 1000 मीटर कितनी देर में करेगा, तो हमने उसके हिसाब से उसका टाइम निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स कैन रन 1 किलोमीटर इन 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स एंड वाई कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 मिनट 40 सेकंड्स, बाय व्हाट डिस्टेंस कैन एक्स बीट वाई, एक्स वाई को कितना डिस्टेंस से हरा सकता है। अब हमें यह तो पता है कि एक्स 1 किलोमीटर कर रहा है कम टाइम में एज कंपेयर टू वाई का जो टाइम है, तो वो पूछ रहा है कि एक्स वाई को कितने डिस्टेंस से हराएगा, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे अगर लेट सपोज रेस लाइन है, ये हमारे पास 0 मीटर आ गया, ये हमारे पास 1000 मीटर या 1 किलोमीटर आ गया, वो ये पूछ रहा है जब एक्स यहां पे पहुंचेगा तो वाई उस वक्त किस जगह पे होगा और इसका
डिस्टेंस का जो फर्क है ये कितना होगा, यानी कि एक्स वाई को कितने डिस्टेंस से हराएगा। अब आप ये देखिए, आपके पास दिया गया एक्स का टाइम 1 किलोमीटर कर रहा है 90 सेकेंड्स में, यानी कि 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। हमने देखना है जब x 90 सेकेंड्स में इस जगह पे पहुंच गया है तो y 90 सेकेंड्स में कहां पे होगा, यानी कि y की हमारे पास जो दी गई है, ये हमारे पास x की थी, y की हमारे पास स्पीड क्या दी गई है, 1000 मीटर कितनी देर में कर रहा है, 100 सेकेंड्स में, 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो हमने देखना 90 सेकेंड में y ने कितना ड्यूरेशन कवर किया था। अगर 100 सेकेंड में y कर रहा है 1000 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, यूनिट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, 1000 ओवर 100, दिस इज इक्वल टू 10, यानी कि 1 सेकेंड में y कर रहा है 10 मीटर। तो इसी तरह अगर हम देखना चाहें कि 90 सेकेंड में y कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे, 90 × 10 900 मीटर्स, यानी कि 90 सेकेंड्स में जब x 1000 मीटर के स्पॉट पे होगा तो y उस वक्त कहां पे होगा, 900 मीटर के स्पॉट पे। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है इस वक्त, डिफरेंस 100 मीटर, 1000 माइनस 900, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर, यानी कि x जो y को हराएगा वो 100 मीटर के डिस्टेंस से हराएगा। तो ये 5 बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको एज सून एज पॉसिबल आंसर कर सकें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।